हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन पेन क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे विभाज्यता की जांच, डिविजिबिलिटी टेस्ट। इस जांच से हम ये बता सकते हैं कि कोई दी हुई संख्या, मान लो कोई भी ऐसी संख्या एक्स दी हुई है, कोई दी हुई संख्या जो है किन किन संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित होगी बिना भाग किए हम ये बता सकते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं 2 से विभाज्यता, मतलब कि कौन कौन सी संख्याएँ हैं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी बिना भाग किए हुए। जैसे वे सभी संख्याएं जिसके अंत में या इकाई के जगह पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। अंतिम अंक क्या हो अंक संख्या का, इनमें से कोई भी अगर अंक जो है अंतिम स्थान पर होगा तो वो संख्या क्या होगी, 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। कोई भी हम संख्या लेकर दे सकते हैं, जैसे 192, 190, 200, 208। तो इन संख्याओं के अंतिम स्थान पे क्या है, 0 है, यहाँ भी 0 है, 8 है, तो ये संख्या क्या होंगी, 2 से विभाज्य होंगी बिना भाग किए। हमें इसे पता, बड़ी बड़ी संख्याओं को बिना भाग किए हुए, जैसे 198, 1072, लास्ट का अंक क्या है, 2। इसका मतलब ये संख्या जो है 2 से पूरी तरह से विभाजित होगी। नेक्स्ट है 3 से विभाज्यता। इसमें हम लोग देखेंगे, जैसे एक संख्या लेते हैं 111, एक संख्या है, क्या यह संख्या 3 से विभाज्य है, तो इस संख्या के हम अंकों को जोड़ेंगे, 1 + 1 + 1 कितना आएगा, 3। तो जो संख्या दी हुई है उसके अंकों को जोड़ने से जो संख्या बनेगी, अगर वो संख्या 3 से विभाज्य है, इसका मतलब दी हुई संख्या भी 3 से विभाजित होगी। जैसे 375, एक संख्या है, इस संख्या को अगर हम जोड़ें, इसके अंकों को जोड़ें, तो 3 + 7 + 5 कितना होगा, 15। तो 15 क्या होगा, 3 से विभाजित है, इसका मतलब ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। इसका मतलब ये कि वे सभी संख्याएं जिसके अंकों को जोड़ने से बनी संख्या जो है 3 से विभाज्य है, तो दी हुई संख्या भी क्या होगी कि 3 से विभाजित होगी। वैसी संख्याएं जिनके अंकों को जोड़ने से बनी संख्या जो हो 3 से अगर विभाजित हो रही है, तो संख्या भी क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। 9 से विभाज्यता, डिविजिबल बाई 9। जिस तरह हमने देखा 3 से विभाज्यता, जिस तरह हम लोगों ने देखा उसी तरह 9 से भी विभाज्यता है। दोनों का मेथड जो है, दोनों का नियम जो है सेम है। क्या है कि अगर हमारे पास कोई संख्या दी है 2, 3, 4, संख्या के अंकों का अगर जोड़ जो है 2 + 3 + 4 9 है, या संख्या के अंकों को जोड़ने से बनी संख्या अगर 9 से विभाज्य है, तो दी हुई संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। एक और संख्या अगर हम ले 855 लेते हैं और इसके अंकों को जोड़ें 8555, तो ये संख्या क्या बनेगी, 8 + 13 = 18। तो संख्या के अंकों को जोड़ने से बनी संख्या 9 से विभाज्य है, इसका मतलब दी हुई संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। यदि हम एक और संख्या लें 1008 और इसके अंकों को जोड़ें 1 + 0 + 0 + 8, क्या आएगा, 9 आएगा। तो संख्या के अंकों को जोड़ने से संख्या अगर 9 से विभाज्य हो रही है, तो दिया हुआ संख्या भी क्या होगा, 9 से विभाज्य होगा। अगर हम इसको शब्दों में देखें तो क्या है, वैसी संख्याएं जिनके अंकों को जोड़ने से बनी संख्या 9 से विभाजित हो, तो वे संख्याएं भी 9 से विभाज्य होंगी। नेक्स्ट है 5 से विभाज्यता। 5 से विभाज्यता बहुत ही आसान है। इसके लिए क्या है, कोई भी ऐसी संख्या जिसका अंतिम अंक 0 हो या 5 हो, कोई भी ऐसी संख्या अगर हम ले लें 2020, लास्ट में क्या है, 0, तो ये संख्या जो है 5 से विभाज्य होगी। अगर हम कोई ऐसे संख्या लेते, जैसे 2025 ले ले, लास्ट में क्या है, 5, तो ये संख्या जो है 5 से विभाज्य होगी। 15 लास्ट में क्या है, 5, संख्या भी क्या होगी, 5 से विभाज्य होगी। तो
कोई भी ऐसी संख्या जिसका अंतिम अंक या इकाई का अंक जो है 0 हो या 5 हो, तो वह संख्या भी 5 से विभाज्य होगी। शब्दों में अगर कहें तो वे सभी संख्याएं जिनके इकाई का अंक जो है 0 हो या 5 हो, वे संख्याएं जो है 5 से विभाजित होगी। 10 से विभाज्यता, 10 से विभाज्यता जो है सबसे आसान है। वे सभी संख्याएं जिसके इकाई का अंक या लास्ट का अंक जो है 0 हो, वे संख्याएं क्या होंगी? 10 से विभाज्य होंगी। कोई भी ऐसा संख्या ले लें, जैसे हमारे पास 2020 था, तो इसमें लास्ट में अंक में क्या है? 0 है, तो क्या होगी? ये 5 से विभाज्य है और 10 से विभाज्य। कोई भी संख्या 10, 10 से विभाज्य है। 1090, लास्ट में 0 है, तो ये भी क्या है? 10 से विभाज्य है। तो वे सभी संख्या जिसके इकाई का अंक क्या हो? 0 हो, वो 10 से विभाज्य होगी। एक चीज़ हम देखें तो इसके लास्ट में क्या है? 0, 10 के लास्ट में 0 है, और वो संख्या जिसके लास्ट में क्या हो? 0 हो, वो संख्या भी क्या होगी? 10 से विभाज्य होगी। इसको सब 10 से विभाज्यता को अगर हम शब्दों में कहें तो सेम चीज़ होगा। वे सभी संख्याएं जिसके इकाई का अंक 0 हो, 5 छोड़ देंगे, वे संख्याएं 5 से नहीं, यहाँ पर क्या होगा? 10 से विभाज्य होगी। 4 से विभाज्यता, डिविजिबल बाय 4। इसको हम देखेंगे ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक 4 से विभाज्यता, ऐसी संख्या जिसके अंतिम दो अंक यानी कि दहाई और इकाई का अंक 00 हो, अंतिम दो डिजिट कैसे हो? 00 हो, या दो डिजिट जो हो वो 4 से विभाज्य हो, जैसे 12 हो गया, 16 हो गया, तो लास्ट का अगर दो ठो अंक जो है 4 से अगर विभाज्य है, तो ये संख्या जो होगी वो क्या होगी? 4 से विभाज्य। जैसे अगर हम एग्जांपल के लिए लें तो एक संख्या लेते हैं 700, तो इसके लास्ट के दो ठो अंक क्या है? 00 है। तो ऐसी संख्या जिसके लास्ट के दो अंक 00 हो, संख्या क्या होगी? 4 से विभाज्य होगी। कोई और अंक लेते हैं, 1000 लेते हैं, इसके लास्ट के दो अंक क्या है? 00 है, तो ये संख्या क्या होगी? 4 से विभाज्य होगी। कोई और संख्या लेते हैं 524, इसके लास्ट के दो अंक क्या है? 00 नहीं है, लेकिन लास्ट के दो अंक क्या है? 24 है, और 24 में हम जानते हैं कि 4 से पूरा भाग लग जाएगा, 4 6 24, तो ये संख्या जो है 524 भी क्या होगी? 4 से विभाज्य होगी। कोई और संख्या अगर हम लें, से 212 ले लिया हमने, इसका अंतिम दो अंक 00 नहीं है, लेकिन इसके अंतिम दो अंक जो है वो 4 से विभाज्य है, तो ये संख्या भी क्या होगी? 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। यदि हम शब्दों में देखें, वे सभी संख्याएं जिनके अंतिम दो अंक 00 हो या 4 से विभाज्य हो, वे सभी संख्याएं भी 4 से विभाजित होगी। कोई इसमें डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट है 6 से विभाज्यता, डिविजिबल बाय 6। कोई संख्या लेते हैं हम, जैसे हमने ले लिया 24। यदि हम 24 को देखें तो यह संख्या 2 से विभाज्य है, क्योंकि इसका अंतिम अंक क्या है? 4 है, और इसके अंकों को अगर हम ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो 2+4 इक्वल टू हो जाएगा 6, और 6 क्या है? यह 3 से विभाज्य है। इसका मतलब ये कोई भी ऐसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए और साथ ही साथ 3 से भी पूरा भाग लग जाए, ऐसी संख्या जिसमें 2 से भी पूरा भाग लगे और 3 से भी पूरा भाग लगे, वह संख्या जो है 6 से विभाज्य होगी। कोई और संख्या अगर हम लें, से 84 लेते हैं, तो इसका अंतिम अंक 4 है, तो ये 2 से पूरा भाग लगेगा, ठीक है, और इस अंकों पर अगर हम ऐड करें तो 12 होगा, तो ये संख्या में 3 से भी पूरा भाग लग रहा है। इसका मतलब इस संख्या में 2 और 3 दोनों से अगर पूरा भाग लग जा रहा है, तो ये संख्या जो है 6 से विभाज्य है। कोई और संख्या हम ले लें, जैसे 222 लेते हैं, अंतिम अंक क्या है? 2, तो ये संख्या क्या है? 2 से विभाज्य है, और इसके तीनों अंक को अगर हम जोड़ रहे हैं तो 6 हो रहा है, जो कि 3 से विभाज्य है, इसलिए संख्या क्या होगी? 6 से विभाज्य हो जाएगी। यदि हम शब्दों में देखें तो वे सभी संख्याएं जो 2 और 3
दो और तीन दोनों से पूरी पूरी विभाजित होगी, वह संख्या छः से भी विभाज्य हो। नेक्स्ट है आठ से विभाज्यता। आठ से वे सभी संख्याएं विभाज्य होंगी जिसके अंतिम तीन अंक 0 0 0 हो। अंतिम तीन अंक जो है 3 0 हो, या अंतिम तीन अंकों से जो बनी संख्या हो वो क्या हो, आठ से विभाज्य हो, तो संख्या भी क्या होगी, आठ से विभाज्य होगी। जैसे हम कोई संख्या लें, ये मेरे पास एक संख्या है, अगर इसके हम अंतिम तीन अंक ले रहे हैं, क्या हो रहा है 104 हो रहा है, और इसे हम आठ से विभाजित करें, आठ एकम आठ, दो बच्चे का चार, आठ तीन के 24। तो आठ से विभाज्यता क्या है, यदि संख्या के अंतिम तीन अंक जीरो हो या अंतिम तीन अंकों से जो बनी संख्या हो वो क्या हो, आठ से विभाज्य हो, तो दी हुई संख्या भी आठ से विभाजित होगी। यदि हम कोई संख्या एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 10,000 एक हमारा संख्या है, इसका अंतिम तीन अंक क्या है, 0 0 0 है, इसका मतलब ये संख्या जो है आठ से विभाजित होगी। यदि हम शब्दों में देखें तो वे सभी संख्याएं जिनके अंतिम तीन अंक 0 0 0 हो या अंतिम तीन अंकों से बनी संख्या जो है आठ से विभाज्य हो, तो दी हुई संख्या भी क्या होगी, आठ से विभाजित होगी। नेक्स्ट 11 से विभाज्यता, डिविजिबल बाई 11। कोई दी हुई संख्या 11 से विभाज्य है या नहीं है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके विषम स्थान वाले अंक अगर हम देखें तो ये क्या है, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, तो पहले नंबर पे जो है क्या है, विषम है, और तीसरे नंबर पे जो है वो क्या है, विषम है। तो विषम स्थान वाले अंक, विषम वाले को अगर हम जोड़ें तो क्या होगा, 1 + 1 2, और सम स्थान पे जो है उसका योग देखेंगे, अगर हम जोड़ देखेंगे तो क्या होगा, सम वाला का जो जोड़ होगा वो 2 है, तो 2 ही रहेगा। तो यदि दी हुई संख्या के विषम स्थान वाले अंकों का योग तथा सम स्थान वाले अंकों का योग का अंतर, अंतर जो है 2 - 2, अंतर अगर 0 हो गया, क्या हुआ 0, तो दी हुई संख्या जो है 11 से विभाज्य होगी। कोई और संख्या हम लेते हैं 143। इस संख्या के विषम स्थान पे क्या है, 1 है और 3 है। विषम स्थान, कोई भी संख्या अगर दिया हुआ तो उसमें सम और विषम स्थान कैसे हम पता लगाएंगे, जैसे 1 3 9 8 4 5 एक संख्या लेते हैं, तो सम या विषम स्थान पता लगाने के लिए हम या तो दाएं से बाएं चल सकते हैं या बाएं से दाएं, कहीं से ले सकते हैं। तो जो एक नंबर पे पड़ेगा, तो एक क्या है, सम संख्या है, दो क्या, एक क्या है, विषम संख्या है, दूसरा नंबर पे ये है तो दूसरे न, टू क्या है, सम संख्या है, तीसरे नंबर पे ये है तो तीन क्या होता है, विषम संख्या, चौथे नंबर पे ये है, चार क्या होता है, सम संख्या। तो जो पहला नंबर पे है वो क्या हुआ, विषम संख्या पहला, फिर इसके बाद तीसरा विषम, फिर इसके बाद पांचवा विषम। तो विषम का हम योग निकालेंगे, विषम, विषम का योग निकालेंगे, 1 + 9 + 4 कितना हो जाएगा, 14। फिर क्या करेंगे हम, सम स्थान वाले अंकों को जोड़ेंगे, 3 + 8, सम वाला क्या होगा, 3 + 8 + 5 ये कितना हो जाएगा, 3 × 8 = 11 = 5 = 16। तो यहाँ पे अंतर अगर हम देखें तो क्या होगा, 16 - 14 कितना आ गया, 2। तो अंतर जो है 0 नहीं आया, तो यह संख्या जो है 11 से विभाज्य नहीं है। उसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें 143 है, तो विषम के पहला और तीसरा, विषम के जगह पे क्या है, 1 और 3, तो 1 और 3 को जोड़ेंगे कितना होगा, 4, और सम के जगह पे क्या है, 4 है, तो दोनों का अंतर कितना आ गया, 4 - 4 = 0। इसका मतलब ये संख्या जो है 11 से विभाज्य है। फिर से अगर हम एक और एग्जांपल लें, 187 लेते हैं, ये विषम स्थान पे है, ये विषम स्थान पे है, ये सम स्थान पे है, तो विषम और विषम को जोड़ें, अगर हम विषम और विषम को जोड़ें तो 1 + 7 कितना आ गया, 8, और सम वाले को अगर हम जोड़ें तो कितना आ गया है, 8,
और दोनों का अंतर अगर हम देखें तो कितना है, 8 माइनस 8 जीरो। इसका मतलब जिसका अंतर विषम के स्थान के अंकों को जोड़ेंगे और सम के स्थान के अंकों को जोड़ेंगे और उन दोनों का अंतर अगर जीरो आ जा रहा है तो दी हुई संख्या जो है क्या है, 11 से विभाज्य है। यदि विषम स्थान के अंक का योग और सम स्थान के अंक का योग का अंतर जीरो आ जा रहा है तो दी हुई संख्या क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी। एक और संख्या लेते हैं 308। इसमें विषम का अगर हम स्थान को जोड़ें तो पहला पे ये है और तीसरा पे ये, तो विषम वाला हो गया 3 प्लस 8 11, और सम वाला को जोड़े तो क्या है, सम पे जीरो है तो जीरो है। दोनों का अगर हम अंतर निकाल रहे हैं तो क्या आएगा, 11 माइनस 0 11। तो यदि संख्या के विषम के अंकों का योग और सम वाले अंकों का योग का अंतर जीरो हो तो संख्या 11 से विभाज्य होगी, या 11 हो या 11 से विभाज्य हो तो भी संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। इसको शब्दों में हम देख सकते हैं, किसी संख्या के सभी विषम स्थान वाले अंकों का योग तथा सम स्थान वाले अंकों का योग का अंतर जो है जीरो हो या 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 11 से विभाजित होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो।